सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। लगातार खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। एकलव्य स्टेडियम में जिला स्तरीय सीनियर ओपन खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। ओपन खेल कूद प्रतियोगिता में बालक बालिका वर्ग की कई टीमों ने हिस्सा लिया। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल निदेशालय द्वारा जनपदीय ओपन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। खेलकूद प्रतियोगिता में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और खो खो के साथ कबड्डी प्रतियोगिता रखी गई है। कबड्डी के खिलाड़ी शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कबड्डी कोच कहती है जिस तरीके से खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं उसे देख लगता है कि भविष्य में और अधिक बेहतर प्रदर्शन खिलाड़ी करेंगे। ये अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रतियोगिता चल रही है जो जिला लेवल की रहती है। वो प्रतियोगिता हमारे निर्देशालय से डिसाइड की गई है, वो स्टार्ट हुई है। इसमें हमारे में 12 टीमों ने भाग लिया है, 12 स्कूलों ने, तो उनकी प्रतियोगिता स्टार्ट हो गई। हाँ, ओपन है सीनियर वर्ग। हाँ, बालक, ओनली बालक। बच्चों का गेम के प्रति रुझान काफ़ी अच्छा है और खेलने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा खेलने के लिए उत्सुक है। वॉलीबॉल के खिलाड़ी भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वॉलीबॉल की 8 टीमें प्रतियोगिता में शामिल हुई हैं। नवोदित खिलाड़ी शानदार खेल रहे हैं। वॉलीबॉल कोच कहते हैं खिलाड़ी बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, भविष्य में और भी अच्छा करेंगे क्योंकि लगातार कंपटीशन मिल रहे हैं। ये जिला स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन आज 11 बजे से हुआ है और इस प्रतियोगिता में 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और इस प्रतियोगिता का समापन जो है कल 3 बजे होगा। और बच्चों के अंदर बहुत उत्साह है क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग प्रतियोगिताएँ करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो प्रशिक्षण है और जो हमारा कौशल है उसका निखार देखने को मिलेगा। ये ओपन प्रतियोगिता है, कोई इसमें एज लिमिट नहीं है और आर्मी की, वेरियस क्लब्स की और पुलिस और अन्य विभागों की टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। सरकार के द्वारा खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों और खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लगातार प्रतियोगिताएं होने से खिलाड़ियों को अच्छा अभ्यास मिल रहा है जिससे प्रतिभा में निखार आ रहा है। राकेश कनौजिया, सी न्यूज, आगरा। आगरा के लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।